कैबिनेट मिनिस्टर हूँ मैं यहाँ का। कौन है वो लेडी जिसने मुझे यहाँ बुलाया है? तुम हो सर? वो मैं हूँ। तो बुलाकर लाए हो मुझे यहाँ पे? सर आपको जितना चिल्लाना है मेरे ऊपर चिल्ला सकते हैं, लेकिन एक बार लाइन पे जाने के बाद आप बिल्कुल चिल्ला नहीं सकते। सिर्फ 14 सेकंड बचे। क्या मैं हाई जैकर के साथ सर सर करके बात करूँ? अगर जरूरत पड़ी तो यस सर। आपकी किसी भी बात पर अगर उसको गुस्सा आया तो वो वहाँ किसी को भी शूट कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो अगली बार आपकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी शायद आपको वोट मांगने की दिक्कत आ जाए। एग्रीकल्चर मिनिस्टर मुरारी दास बोल रहा हूँ। ये मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? अरे छोड़िए ना मिनिस्टर साहब, आपके साथ तो मुझे सिर्फ एक क्विज का खेल खेलना है। सही जवाब के बदले में आपको इन लोगों की जान बचाने का मौका देना चाहता हूँ। मंजूर है? देखिए मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जो कुछ सीखा है लोगों से ही सीखा है। आप फिक्र मत कीजिए, बिल्कुल सवाल आपके डिपार्टमेंट के बारे में है। ओके फिर ठीक है। 10281। ओके सवाल क्या है? यही सवाल है सर। 10281। ये नंबर सुनकर कुछ याद आता है? देखिए मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर हूँ, शायद आपको फाइनेंस मिनिस्टर से बात करनी थी, पर कोई बात नहीं। आप तब तक दूसरा खाना प्ले कीजिए, तब तक मैं उनको बुलवा लेता हूँ। वही बैठे रहिए आप। पिछले 1 साल में तुम्हारे मिनिस्टर लेटे हुए 10,281 किसान ने आत्महत्या की। 10,281। अफसोस मिनिस्टर साहब, ना तो आप उन किसानों को और ना इन 376 लोगों की जान को बचा सके। सर प्लीज एक मौका और दीजिए प्लीज सर। ओके दिया। एक किसान ट्रैक्टर खरीदने के लिए जाता है, एक अमीर आदमी मर्सिडीज जैसी कार खरीदने के लिए। दोनों बैंक से लोन लेते हैं, दोनों में से ज्यादा सस्ता लोन किसको मिलेगा? सारे के सारे 376 को रिलीज कर दीजिए। भाई मर्सिडी के लोन पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा और गरीब किसानों के ट्रैक्टर पर कम। गलत मिनिस्टर साहब, ट्रैक्टर के लोन पे इंटरेस्ट है 13% और मर्सिडीज जैसी गाड़ी पे महज 8%। ये हाल है हमारे यहाँ का। इन सवाल जवाब के अलावा भी कोई और तरीका होगा? मैंने आपके पास तो ले लीजिए। लिखिए। हाँ बोलिए। 40,000,97,13,556 रुपीस। सर 5-10 करोड़ की बात होती तो समझ में आता। 40,000 करोड़ हम कैसे दे सकते हैं? सर प्राइवेट सेक्टर से ले लीजिए, किसी बिजनेसमैन से। देखिए सर बिजनेसमैन की प्रॉब्लम के लिए हम जरूर मदद कर सकते हैं, पर हमारी प्रॉब्लम के लिए बहुत बिजनेसमैन पैसे देगा। देंगे सर, देंगे। जब आप बार-बार बिजनेसमैन की नहीं पार लगा सकते हैं, तो बिजनेसमैन भी एक बार आपकी मदद तो कर सकता है ना। अगले 10 मिनट में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का फोन आपको आएगा, बस अपना फोन अपने पास रखिएगा। आलिया तुम्हें मेरे लिए कॉल करना है, करोगी? सर स्टेज पर थे तो बेबी ने 2-3 बार कॉल किया, पहले क्यों नहीं बोला? और तू यहाँ कैसे? सर बात करेंगे सर। ये सर सुनो, काली गायकवाड़ की बेटी आलिया भी उसी ट्रेड में है, समझे मैडम? उसे एक खरोच नहीं आनी चाहिए। सारे पैसे देने को तैयार है वो। 40,000 करोड़ पैसे मैंने नहीं रखते, उसकी बेटी मायने रखती है। सर इतना बड़ा रैंसम अमाउंट ऐसे ही दे देना फ्यूचर के लिए गलत एग्जाम्पल से। मैडम यहाँ आधी चीजें कारी गायकवाड़ की मेहरबानी से चल रही है, जो कहा है वो कीजिए। सर आप यही जानना चाहती है ना कि पैसे कैसे भेज रहे हैं? डिजिटल इंडिया है नर्मदा जी, एक अकाउंट नंबर आपको ई कर दिया गया है, और अगले 15 मिनट में पैसों की अगर कॉन्फर्मेशन आएगी तो ये ट्रेन चकाला स्टेशन जाएगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्टेशन के 3 किलोमीटर आसपास स्कूल, मॉल्स, हॉस्पिटल्स, हर गली कूचे में ऐसे धमाकों की बौछार छाएगी, और फिर जिंदगी भर आपको मेरी याद सताएगी, बेकरार कर जाएगी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर ऑथराइजेशन मुझे यूज करके मेरे डैड से पैसे मांगे। चोर तुम सबके सब। हम सब चोर हैं। और पता ऐसा क्यों है? पूरे 40,000 करोड़ रुपए रातों रात माफ कर दिए सिस्टम ने तुम्हारे बाप के, और सिर्फ 40,000 रुपए के लिए। पता है सिस्टम ने क्या किया इसके बाप के साथ? पता है? पता है? परीक्षा की तैयारी कर ली ना अच्छा से? हाँ बाबा, देखना ये सब पूरी क्लास में ना पहला नंबर निकालूंगा। अच्छा 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 बाबा, एप्लीकेशन आज पोस्ट कर देना, कल फीस जमा करनी है। ठीक है। अरे तामले, अब हमको चल के आना पड़ेगा तेरे घर पैसा लेने। साहब इस बार बरसात ने सब बिगाड़ दिया साहब। जब होनी थी तब नहीं हुई, और हुई तो इतनी हुई कि फसल बर्बाद हो गई साहब। आप मुझे 10 दिन का और वक्त दे दो, मैं कैसे भी करके। उधर खड़ा होके बात कर। आप बोलेगा तो मैं कल जाके आपके मैनेजर साहब से बात करेगा साहब। मैनेजर से बात करेगा तो हम क्या चपरासी है? चपरासी है? चपरासी है? मेरी बेटी है, उसके सामने तो शर्म आ रही है। इसका डॉक्टर ले चलो रे। घर चलते हैं, आप भूखे मर जाएंगे साहब। ले जाओ ट्रैक्टर ले जाओ।